अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस। और हाइड्रोलिक प्रेस से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में हमने ये देखा था कि अगर प्रेशर एक पॉइंट पे अप्लाई किया जाए तो वो ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर जाके ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसमें इस तरह से होता है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस में कि एक तरफ आपने जो हमारा लार्ज पिस्टन होता है उसको रखा जाता है जिसके ऊपर हमने वेट को लिफ्ट करना होता है, और एक तरफ स्मॉल पिस्टन होता है जिसपे हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है, जो कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा जो है वो वर्क हासिल कर लेते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस का काम है कि कम फोर्स लगाएंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड भी कहते हैं इसको, कि इसमें फोर्स मल्टीप्लाई होकर हमें ज़्यादा वर्क डन मिलता है। तो इसके लिए हम पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसके अंदर जो है वो लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड फिल्ड है इसके अंदर। तो प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले हम यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेशर होगा ये हमारे पास स्मॉलर पे है एफ वन, और एरिया इसका क्या है स्मॉल ए। इसी तरह से जब हमने फोर्स एक दफा अप्लाई की, इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रेशर रिमेन द सेम, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेशर ऑन लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाएगा प्रेशर रिमेन द सेम, तो ये होगा एफ टू डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है वो सेम है, तो हम करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ एफ वन ओवर ए इज इक्वल टू एफ टू ओवर कैपिटल ए। अब यहाँ पे हमने जो हमें वर्क डन, जो फोर्स हमें F2 प्रोवाइड हुई है, F1 अप्लाई करने के बाद जो F2 हमें मिली है, हमने वो वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो F2 विल रिमेन्स हियर, F1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई कैपिटल A। अब इसको इस तरह से राइट करते हैं, F1 मल्टीप्लाई कैपिटल A डिवाइडेड बाय A। यहाँ पे जो ये रेशो है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए रेशो, ये बहुत ज्यादा मैटर कर रही है यहाँ पे। अगर ये रेशो जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाए, स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए रेशो जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाए, उसके बाद क्या होता है कि फोर्स अगर हम स्मॉलर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो वो मल्टीप्लाई होकर हमें लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ मिल रही है। इसका ये मतलब है अगर ये लेस देन वन हो जाए तो हमें वर्क डन प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है, लार्जर एरिया की तरफ हमें वर्क डन जो है वो नहीं मिलता, ये हमेशा ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो वर्क है हाइड्रोलिक प्रेस है वो वर्क करता है, और इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने इसको इसी तरह से ही करना है। सबसे पहले आपने इसकी एक्सप्लेनेशन राइट करनी है, हाइड्रोलिक प्रेस इज मशीन विच वर्क्स ऑन अ पास्कल्स लॉ, और लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस इज प्लेस्ड ओवर अ पिस्टन ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। जिस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्रेस करना होता है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ, और एफ वन जो है वो अप्लाई की जाती है फ्रॉम स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए। द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू द लार्जर पिस्टन एंड अ फोर्स एफ टू एक्ट ऑन ए विच इज मच लार्जर देन एफ वन। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद आपने फिगर ड्रॉ करनी है, देन आपने इसका ये ड्राइव करना है पूरा फॉर्मूला।
इसके बाद इसका प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके साथ हम करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम एंड व्हीकल्स। थैंक यू।